हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सही तरीके से आपका हेयर ग्रो नहीं कर रहा है? आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है और सब प्रोडक्ट आपने ट्राई कर लिया पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छे से इस वीडियो को देखिए और मैंने फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो थंबनेल और टाइटल देख के पता तो चल गया होगा, तो आज का वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मैंने सारे कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में मैं सारे चीज आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। आप लोगों का डाइट, आप लोगों का एक्सरसाइज, सब कुछ जो एक्सरसाइज करके आप लोग अपने हेयर का ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज। अब जो जो खाना मैंने अभी जो जो डाइट मैंने दिखाया है, जो जो खाने में जो सारी चीज मैंने इंक्लूड किया है, वो सारी चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से वो सारी चीज को ऐड करना। एंड गाइस, अगर ये डाइट आप लोगों ने जैसा मैंने बोला है, सॉरी टॉम बदमाशी कर रहा है, तो जैसा मैंने बोला है, सॉरी ओके तो ये डाइट में जैसे मैंने बोला है वो सारी चीज को आप वैसे अगर फॉलो करेंगे तो 100% नहीं 1000% आप लोगों का हेयर का जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, सारे चीज आप लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप लोग खुद ही वो सारे चीज का रिजल्ट आप लोग खुद ही देख पाओगे, खुद ही फील कर पाओगे। एंड और एक चीज, आप लोगों का स्लीपिंग पैटर्न से लेके, खाने से लेके, वर्कआउट से लेके मैंने सारे चीज आप लोगों को बहुत ही आराम से मैंने समझाया है। एंड मैंने थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अगर मैं बता देती डाइट की ये खा लो वो खा लो, मैं भी उतना आइडिया नहीं मिल पाता, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने यमी यमी अच्छा अच्छा थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है कि मैं अपना डाइट में आप लोगों का डाइट में मैंने बहुत सारा चीज रेसिपी सॉरी गाइस टॉम की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो डाइट मैंने बहुत सारा चीज मैंने दिखाया भी है रेसिपी, वो सारे रेसिपी को आप लोग फॉलो करिए और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही यम्मी खाना है, सो डोंट वरी, कोई बोरियत फील नहीं होगा। और मेरा वीडियो वैसे देखते रहिए तो आगे आगे और भी रेसिपी और भी आप लोगों को टिप्स मिलता जाएगा। और हाँ, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में क्योंकि एक वीडियो में मैं नहीं चाहती कि इसमें पार्ट वन आए, टू आए, ऐसा नहीं है ताकि आप लोग होल्ड में रह जाओ, आप लोग प्रोसेस शुरू ना कर पाओ। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है डाइट, वर्कआउट, क्या खाओगे, बाहर जाओगे, ऑफिस मीटिंग या फिर कोई कॉलेज का फंक्शन हो, कुछ भी हो, फैमिली फंक्शन हो, आप लोग क्या क्या चीज आप लोग खा सकते हो ताकि आप लोगों का हेयर अच्छा रहे। बायोटिन, कैरेटीन, ये सारे हम लोगों ने नाम सुनाई है, कैरेटिन करते हैं हेयर में, आज तक मैंने नहीं किया और आप लोग कभी मत करना क्योंकि कैरेटिन हेयर को कितना डैमेज करता है आफ्टर वन मंथ, वो सारी चीज आगे आप लोग देखिएगा। कैरेटिन हम लोग फ्रूट से लेंगे, हम लोग अपना खाने से लेंगे, बायोटिन हम लोग खाने से लेंगे, कोई भी मेडिसिन खा के आप लोग ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइफ टाइम आप लोगों का सोल्यूशन नहीं होता है। तो आगे आप लोग वीडियो को बढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए। और हाँ, इतना मेहनत किया एक वीडियो में, मैंने अपना जान लगा दिया, देखिए सारे चीज मेरी जो बहने हैं, जो भाई है, जो इतना मुश्किल से गुजर रहे हेयर के लिए, इतना डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा तो अच्छे से देखिए, विदाउट स्किप किए, क्योंकि बहनों मैंने हर एक चीज बोला है, अगर स्किप करोगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप लोग कैसे समझोगे कि मैंने कब क्या बोला है, राइट? तो आप लोग आराम से, सुकून से, इत्मीनान से देख लीजिए वीडियो को, क्या करना है। अरे यार, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे आप लोगों के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। ऐसे तो कैसे चलेगा दीदी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ ये सारे वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के फ्रेंड, आप लोगों की फैमिली, आप लोगों के आस पड़ोस सबको हेल्प मिल जाए क्योंकि आज का डेट में
हेयर फॉल का इतना बड़ा पंगा चल रहा है, इतना बड़ा स्ट्रेस चल रहा है कि करे तो आदमी क्या करे। तो कुछ नहीं बाबा, आपकी बहन है ना, तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये डाइट पे है। तो डाइट फॉलो करिए और अपना हेल्दी हेयर को एंजॉय कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सुबह उठते ही कोकोनट वाटर, सिया सीड हम लोग अपने मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे। सिया सीड में है फाइबर, पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपका बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है कोकोनट वाटर, और आपका हेयर को भी हाइड्रेट करते हैं, नरिश करते हैं, स्मूथ रखते हैं। ड्राई फ्रूट अपने डाइट पे इंक्लूड करें। अगर ड्राई फ्रूट उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो पीनट को अपने डाइट पे आप इंक्लूड करें। ये सारी चीज़ आप मॉर्निंग में लीजिए, पपाया लीजिए या फिर कोई भी सीजनेबल फूड अपने डाइट पर इंक्लूड करें। ग्रीन वेजिटेबल को अपने डाइट पर इंक्लूड करें। खुद शॉपिंग जाए, शॉपिंग मॉल तो जाते ही हो, कभी सब्जी बाजार भी जाया करो खुद के लिए। आप जाइए, हरे हरे सब्जी लेके आइए, अपने डाइट पे सारी चीज़ को इंक्लूड करें। हेयर फॉल होते ही हमेशा सोचते हैं कौन सा शैम्पू, कौन सा क्रीम लगाए ताकि ठीक हो जाए, पर हमें अपने डाइट के थ्रू ही सारी चीज़ को ठीक करना है। जैसे वाटरमेलन में विटामिन B7 है, D है। कैरेटिन ट्रीटमेंट एकदम हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे क्या करें जो कैरेटिन हमें फूड के साथ मिल जाए। तो स्वीट पोटैटो को अपने डाइट पे इंक्लूड करें। स्वीट पोटैटो में बहुत सारा बेनिफिट है हमारे हेयर के लिए। अंदर से हेयर को स्ट्रॉन्ग करना है, शाइनी करना है, स्मूथिंग करना है, पर अंदर से, तो हम अपने डाइट पे ये सारे फ्रूट को इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ साथ हमें अपने बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं कुछ वर्कआउट दिखाऊंगी, योगा, ये सारी चीज़ को फॉलो करें। आपके बालों को लंबा, घना, एकदम रेशमी सा बनाने के लिए ये मैजिकल ड्रिंक है। इस ड्रिंक को आप हर रोज़ाना, आप खाली पेट में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, पर आप शाम को मत लीजिए। दोपहर से पहले ही इस ड्रिंक को अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूड करें। और ये ड्रिंक लेने से आपके हेयर को तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपका स्किन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इस ड्रिंक को कैसे हम लोग बनाते हैं। और इसमें जो हम लोग खीरा यूज़ करेंगे, इसको पहले नमक के साथ अच्छे से थोड़ा सा रब कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी डर्ट से या फिर कोई भी केमिकल्स अगर मिक्स किया हुआ है तो सारे निकल जाएंगे। पानी देने के बाद 10 मिनट इसको सोक करके छोड़ देंगे उस, क्योंकि इसको हमको पिल ऑफ नहीं करना है। तो इसको अच्छे से फिर वॉश कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, इसको गोल गोल से कट कर लेंगे। फिर ये सारे चीज़ को डालने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड करके जूस निकालेंगे। और इसके साथ आप 1 कप इसमें पानी दे दीजिए, ताकि आपको अच्छे से जूस निकल सके।
मेरी सखियों रेडी हो गई है मैजिकल हेयर ड्रिंक, इसको आप अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूड करें। 3 से 4 मंथ इसको कंटिन्यू करें, उसके बाद आप खुद मुझे बताओगे कमेंट में कि समरीन ये ड्रिंक नहीं था, ये तो मैजिक था जो आपके हेयर का हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। तो हाईली रेकमेंड है कि आप लोग इसको ज़रूर 3 से 4 मंथ इसको यूज़ करें, फिर कमेंट करके बताइए कि क्या इसका बेनिफिट क्या है। चलो अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे चीला। तो पहले ओट्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, नॉर्मल ओट्स आप लोग ले सकते हैं, ओट्स ले लिया। उसके बाद मैं अब थोड़ा बेसन ऐड करूँगी। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एक आदमी का क्वांटिटी दो वो आप डिसाइड करें। फिर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हींग और हरा हरा हमारा कड़ी पत्ता। देख रहे हो मेरा सौ गार्डन मैंने किचन में बना दिया है। तो फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने डाल लिया। देखो मेरा गार्डन से मैं हरा हरा फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता भी तोड़ रही हूँ। मेरा शौक मानना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों, कमेंट पे बताना ज़रूर। तो ये सारे चीज़ को अच्छे से मैं तोड़ूंगी। और ये जब भी फ्रेश होता है ना तो मैं हाथ से तोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ग्रीन चिली के साथ पंगा नहीं लेना है, इसलिए हाथ से नहीं, इसको तो मैं नाइफ से ही कट करती हूँ, क्योंकि ये अगर गलती से हाथ मेरा फेस में गए तब तो ये हो गया। अब थोड़ा सा पालक को अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, फिर इसको भी अच्छे से कट कर लेंगे। आप लोग बारीक कट करें ताकि हम लोग जो चीला बना रहे हैं ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्लियर कट एक पिक्चर होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसके बाद थोड़ा सा प्याज को डाल लिया। थोड़ा हल्का हल्का सा हम लोग पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का से। फिर एक गाढ़ा थिक पेस्ट बना लेंगे। ये जो ब्रेकफास्ट बन रहा है इसमें बायोटिन है, वाइटामिन है, प्रोटीन है, जिंक है, आयरन है, कैरेटिन है, क्या नहीं है भाई, सारे चीज़ है जो हमारे हेयर के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट है। और आप ओट्स का रोटी भी ले सकते हो, उसमें ज़रूर आप लोग घी ऐड कर लेना। और जो मैं आलू का जो भाजी दिखा रही हूँ वो है स्वीट पोटैटो भाजी, उसके साथ साथ आप स्प्राउट ले सकते हो सैलड, फिर आप पोहा ले सकते हो, एक के साथ ले सकते हो ताकि हाई प्रोटीन आपको मिले। फिर आप मटर का कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। फिर ये सारे चीज़ आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। तो चलो गर्मा गर्म चीला रेडी हो गया है। अब लोगों को मैं दिखाऊंगी दाल बनाना। दाल तो सबको आता है पर मैं जो मेथड दिखा रही हूँ वही प्रोसेस से आप लोग बनाना। तो दाल भी ले सकते हैं आप लोग, सोया चंग भी ले सकते हैं। तो दाल में कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन चिली डालना है, धनिया पत्ता, फिर हल्दी, नमक और दाल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बस दाल रेडी हो गया है। तड़का नहीं देना है, तड़का नहीं लगाना है। इसके ऊपर में आप लोगों को घी ऐड करना है, आप लोग बीन्स भी ले सकते हैं, आप लोगों को जो सही लगे, बट दाल ज़रूर आप लोग अपने डाइट पे ज़रूर ऐड कीजिए। पनीर ऐड करें और कड़ी पत्ता तो मत भूलिए, फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता भी धनिया के साथ ऊपर से आप लोग इसको भी डालें। याद रखें ये हमारे हेयर का डाइट है, तो हमारे हेयर के लिए जो जो बेनिफिट होगा, जो जो डाइट पर हम लोगों का रहेगा, वो सारे चीज़ हम लोग लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा नीमक दे के, नींबू थोड़ा सा दे के उसके बाद रेडी हो गया पूरा। और ऊपर से एक चम्मच घर का देसी घी। रोटी भी हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है। राइस को हम लोग इग्नोर करेंगे, व्हाइट राइस हम लोग नहीं लेंगे। और कोई अगर नहीं रह पाता है, उसको लेना है तो ले सकते हैं। अब प्रोटीन के लिए चिकन भी हम लोग लेंगे, चिकन ब्रेस्ट लेंगे या फिर चिकन लेंगे, स्वीट पोटैटो के साथ लेंगे, नॉर्मल पोटैटो जितना हो सके इग्नोर करें, पर अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। दही ऐड करेंगे, हाई प्रोटीन रहता है, हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मटर लेंगे, फिश लेंगे, फिश कैप्सूल क्यों खाएंगे हम लोग, फिश लेंगे। और सच में दालना बहुत टेस्टी बना था। आप लोग मेरा डाइट सीट फॉलो करना, बनाना और बताना, क्योंकि मैं बहुत ही यम्मी टेस्टी से आप लोगों के साथ डाइट अपना शेयर करती हूँ। ये सारे चीज़ जो चिकन सैलेड है,
बाहर जाते हो आप एक्सक्यूज़ दोगे कि बाहर जाके हम लोग क्या खाएंगे, बाहर में भी हम लोग हेल्दी खाना खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, हम लोग फिश खा सकते हैं, टिक्का खा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, ग्रिल चिकन खा सकते हैं, बाहर में जाके हम लोग भी हेल्दी खाना खा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का मीटिंग होता है, स्कूल का, कॉलेज का फंक्शन होता है, पार्टी होता है, या फिर वैसे भी वीकेंड में हम लोग पार्टी जाते ही है। मैं खुद जाती हूँ पार्टी पर, आज तक जब से मुझे मैंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लाइफ में ऐड किया है, तब से मैंने कोई भी फालतू का चीज़ मैं नहीं खाती हूँ, हमेशा हेल्दी डाइट के साथ ही मैं अपने पार्टी भी इंजॉय करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग बाहर जाके कुछ भी ऐसा मत करें जो आप घर पे जो डाइट कर रहे हैं उसको सारे चीज़ को बर्बाद कर देगा। तो हर एक चीज़ को एक कर देखिए, ब्रोकली का मैं जूस भी, सूप भी पी रही हूँ, और आप दही भी ले सकते हैं, योगर्ट भी ले सकते हैं, पर दही योगर्ट जो होता है बाहर आपको ग्रीन योगर्ट मिल जाएगा, उसके साथ ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। फिश को अपने डाइट पर ज़रूर 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 इंक्लूड करें। कड़ी पत्ता एक मेन लीड रोल प्ले करता है हमारे हेयर केयर में, कड़ी पत्ता का बहुत सारा बेनिफिट है, तो कड़ी पत्ता आप लोग इंक्लूड करें अपने हेयर पे, गार्डन है तो ज़रूर इसको लगाइए। तो मैं कड़ी पत्ता ज़रूर लेती हूँ शाइनी हेयर के लिए। तो कड़ी पत्ता मैं कैसे लेती हूँ, चलो दिखाते हैं। तो कड़ी पत्ता को लेना है और पान के जैसे चबाना है, चबाते जाओ। हाँ हाँ ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, पर हेयर के लिए तो भाई कुछ भी करेंगे, है कि नहीं सकी हो। तो अच्छे से इसको चबाओ चबाओ चबाओ, थोड़ा सा चबा लिया बस ठीक है, अब कुछ नहीं, लो 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 पानी ले लो, पानी लेके इसको पूरा अच्छे से गटक लो, बस हो गया। इसको आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो, दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में मत लेना, शाम से पहले कभी भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसको गटक से पी लो। हाँ ठीक है, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, हेयर के लिए कुछ भी करेंगे, गुड टू गो शाइनी हेयर। तो अब चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यम्मी सा डिनर, नॉट डिनर, आप डिनर में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आपका टेस्ट के ऊपर पूरा पूरी डिपेंड करेगा। और ये जो प्लेटर है पूरा बायोटीन से भरा हुआ है, विटामिन से भरा हुआ है, प्रोटीन से भरा हुआ है, जिंक से भरा हुआ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ है, आयरन से भरा हुआ है, कैरेटीन से भरा हुआ है। मैंने सारे चीज़ को उठा के एक प्लेट में डाल दिया है ताकि सारी चीज़ का बेनिफिट हमें मिल सके, हमारे फूड हमें दे सके, हम लोग खा सके। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे काबुली चना, ब्लैक चना, मटर में ऐड कर रही हूँ। आप लोग कोई भी और भी बीन्स अगर ऐड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पत्ता थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा बीट, थोड़ा सा आप लोग अगर चाहो तो टमाटो भी ऐड कर सकते हो। मैं नाइट में नहीं खाती इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। पर गाइस एक चीज़ बोलना है, आप लोग वाइट सॉल्ट को ना इग्नोर करें, अगर नाइट में आप लोग ले रहे हो तो वाइट सॉल्ट मत लीजिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए एकदम अच्छे नहीं होते हैं। और आप लोग के टेस्ट एकदम मतलब सॉल्ट के बिना नहीं खा सकते, तो आप लोग ब्लैक सॉल्ट या फिर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस मैं छिड़कूंगी, क्योंकि मैं नींबू का रस जब भी डालती हूँ ना तो मेरा ना टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है, मुझे नमक की ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज शायद मुझे आदत हो गई है इसलिए, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ का बेनिफिट चाहिए। तो नमक देख के या फिर चाट मसाला देख के मैं कुछ चीज़ का बेनिफिट कम नहीं करना चाहती। तो यस, मैं ये सारी चीज़ नहीं लेती हूँ जो मेरा बॉडी को हार्मफुल करता है। उसके साथ हम लोग दो एग बॉयल लेंगे, एग हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, तो ऑफ कोर्स एक को भी हम लोग अपने डाइट पे इंक्लूड करेंगे। तो ये रहा आपका प्लेटर हाई प्रोटीन डाइट, यहाँ पे वो हर एक चीज़ है जो आपके हेयर के लिए बेनिफिट है, आपका हेयर का ग्रोथ के लिए अच्छा है, हेयर फॉल को रोकेगा, आपका हेयर को शाइनी करेगा, आपका हेयर का टेक्सचर को अच्छा करेगा, आपका हेयर जो टूट जाता है, जो स्प्लिट हो जाता है, जो सारे चीज़ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो सारे चीज़ से आपको ये प्रॉब्लम से निकालेगा। उसके बाद आप नाइट में और भी ऑप्शन में आप जैसे कि फिश ले सकते हैं, राइस के बदले आप किनुआ ले सकते हैं, किनुआ बहुत अच्छा है हेयर और स्किन बोथ दोनों के लिए। और ये जो सैलेड बना है ना
बहुत ही अच्छा है, कमेंट में ज़रूर बताइए ट्राई करके। और गाइज आप लोग सूप भी ले सकते हैं, जैसे पम्पकिन सूप हो गया, ब्रोकली सूप हो गया, वेजिटेबल हो गया, फिर चिकन सूप, ये सारी चीज़ को आप लोग ऐड कर सकते हैं। खाना डाइट सब कुछ तो ठीक है, पर डिप्रेशन का क्या है? डिप्रेशन के वजह से हम लोगों का और ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल होता है, पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, थायराइड होता है, इतना ज़्यादा हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम लोगों को खुद को पता नहीं चलता है। रात में हम लोग जगते हैं, अच्छे से सोते नहीं है, और आजकल का छोटे छोटे बच्चों को तो सोशल मीडिया का टेंशन होने लगा है। तो ये सारे चीज़ को हम लोगों को अपने लाइफ में नहीं होने देना है। इतना ज़्यादा मूड स्विंग होता है, अपने आप बेवजह हम लोग रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो हम लोगों को अपने आप को खुश रखना है, डिस्टर्ब नहीं रहना है, खाना खाना है, अच्छे से अपने लाइफ को जीना है, अच्छे अच्छे पॉजिटिव बुक पढ़िए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो वर्कआउट एक हैप्पीनेस का की है, यस, जब से मैंने किया है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आप लोग भी वर्कआउट ज़रूर अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड ज़रूर करें। और इस लड़का को ना अभी एक चाहिए, क्योंकि एक का योलो पार्ट ये लड़का को बहुत पसंद है, ये हमेशा खाता है। मैं ज़्यादा देने नहीं मांगती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, पर क्या करें, इसको तो देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को खाने नहीं मिलेगा। तो जो भी हो, इसको मैंने दे दिया है, और एक को ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा हेयर रहता है। मैंने जब से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने अपने मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है, मेरा हेयर, मेरा स्किन सब कुछ अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ऐड कीजिए, आप लोग भी खुश रहिए, अच्छे से रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में एकदम से, वही आपका लाइफ है, यही मान के चलिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कभी भी सोना, कभी भी खाना, ये सारे चीज़ हमें कभी भी एक अच्छा हेल्दी माइंड नहीं देगा, एक लाइफ नहीं देगा। हमेशा हम लोग चिड़चिड़ाते रहेंगे। बाहर के फास्ट फूड से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, स्मोकिंग से दूर रहे, ये सारे चीज़ हमें नहीं लेना है। हमें 8 घंटा सोना है, हमें 4 से 3 लीटर हमको पानी पीना है, हमको सुकून का ज़िंदगी जीना है, हमें काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें बहुत कुछ लाइफ में करना है। तो ये सारे हेल्दी लाइफस्टाइल को ऐड करिए, अपने कुकिंग करिए, खुश रहिए, और अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचिए। तो डिसिप्लिन इज़ ए की, तो डिसिप्लिन में रहे और हमें हमारे लाइफ को इंजॉय करें। आई होप मेरी बहनों कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज ये ब्लॉग देखने के बाद कौन कौन डाइट फॉलो कर रहा है, और कोई भी फूड से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में पूछिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पर लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी हमको पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ऑल टाइम आप लोगों के लिए हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अच्छे से ये डाइट को फॉलो करें और हेल्दी हेल्दी हेयर के साथ अपना लाइफ को इंजॉय करें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और मेरे वीडियो देखते रहिए, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोगों के साथ और एक चीज़ बोलना है, आप लोग नेक्स्ट, आप लोगों को अगर कुछ और मसले में, मैंने और कोई प्रॉब्लम में अगर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। और आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी एक्सटर्नल और इंटरनल में दोनों बोलती हूँ कि दोनों का एक साथ अगर मिल जाए तो वाह क्या कहने हैं। तो मैंने आज तो पूरा इंटरनल का आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझा दिया, अब एक्सटर्नल कुछ क्लियर हो जाए तो हेयर ऑयल और पैक के साथ मैं आऊँगी बहुत जल्दी, ताकि आप लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का क्लियर कर सके और अपने हेयर को और खूबसूरत बना सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Thank you.